Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today moral is, nothing is done by dream, only success is achieved through effort. It means, सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता है, सफलता प्रयासों से हासिल होती है. मतलब कि आप सपने तो देखते हो ना, लेकिन सपने देखने से क्या वो सपने सच हो जाते हैं? नहीं ना. जब आप सपने देखोगे, और सपने कभी बंद आँखों से नहीं, खुली आँखों से देखने चाहिए, दिन में देखने चाहिए. रात के सपने तो शायद उतने सच ना हो पाए जितनी आप खुली आँखों से जो सपना देखो वो कर सकते हो. अगर आप उसी सपने को, अगर जो आपने देखा उसको पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको उतनी हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब आपका वो ड्रीम जो होगा वो क्या होगा, सक्सेस हो गया, आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे, तभी आप कुछ बन के दिखा पाओगे. तो इसी से मैं आपकी शुरुआत करती हूँ. आज मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी? कंप्यूटर. आज से आपका कंप्यूटर क्लास चालू हो रहा है. आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. और अगर आप लोगों ने बुक ना ली हो तो प्लीज़ बुक ले लीजिए. ओके, लुक हियर, दिस इज़ योर कंप्यूटर बुक, थिंक एंड कनेक्ट. ये क्या है? कंटेंट एंड एट अ ग्लैंस. आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. सबसे पहले आप बताइए कंप्यूटर क्या होता है. व्हाट इज कंप्यूटर? चलिए मैं ही बताती हूँ. अ कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली. मतलब कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि परफॉर्म करता है वेरियस टास्क, वो चाहे अर्थमेटिकल हो चाहे लॉजिकल हो. जो भी हम लोग उसको देते हैं, जो भी डाटा हम लोग उसमें फीड करते हैं, वो उसको प्रोसेस करके हमें क्या देता है? रिजल्ट देता है. तो वही क्या होता है? कंप्यूटर होता है. कंप्यूटर में तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं ना. मूवी देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लेटर राइट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं. और नेक्स्ट इज कंप्यूटर. कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है आप बताएंगे? चलिए जल्दी से बताइए. हाँ, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च. राइट, ये क्या होता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म. अब चलिए चालू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर. लेट स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. हिस्ट्री, हिस्ट्री से क्या जान रहे हो? इसकी पुरानी, कहाँ से ये आया है, हिस्ट्री जानना है इसकी. ओके, लेट्स लर्न अबाउट. इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? द अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन. अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल काउंटिंग डिवाइस. उसके बाद क्या आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल काउंटिंग डिवाइस. ये कैसा था? विद्युत चुंबकीय. और ये कैलकुलेटिंग, ये काउंटिंग डिवाइस था, और ये कैलकुलेटिंग मशीन थी जो सबसे पहले आई थी. फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस. अभी ये चुंबकीय का था, अब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक हो गया. इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो लाइट से हो ना. मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइस और कंप्यूटर. उसके बाद क्या आ गया? मॉडर्न, उससे भी मॉडर्न आ गया कैलकुलेटिंग डिवाइस और कंप्यूटर जिसे बोलते हैं. तो सबसे पहले अर्ली, पहले क्या था? मशीन. चलिए उसके बारे में पहले पढ़ते हैं. वेलकम टू द क्लास. आपका स्वागत है. दिस चैप्टर विल गिव यू द बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट अ कंप्यूटर इज. क्या देगा ये आपको? इस क्लास में क्या बताएंगे कि
आपको बेसिक नॉलेज पता चलेगी कि कंप्यूटर क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। इन दिस प्रेजेंट एरा, इस युग में, एरा मतलब युग, मतलब जिस टाइम पे अभी आप हो, कंप्यूटर इज़ एन एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ मैनी इम्प्रूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कंप्यूटर में क्या है, आवश्यक चेंज होते चले जा रहे, एसेंशियल मतलब आवश्यक, प्रोडक्ट ऑफ मैनी इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है इसमें, पीरियड ऑफ मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसमें क्या हो रही है, बहुत से सुधार हो रहे हैं। इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में जब आप नहीं कर पाते हो तो बोलते हैं ना बेटा सुधार करो, तो आप सुधार करते हो ना, इम्प्रूवमेंट लाते हो ना, फिर आपके मार्क्स क्या होते हैं, अच्छे आते हैं। वैसे ही हेयर वी विल लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो इधर यहाँ हम लोग को क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, द अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन। द अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन, सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन जो पहले आई थी। द डेवलपमेंट ऑफ काउंटिंग वॉज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो क्या है, जो डेवलपमेंट ऑफ काउंटिंग मतलब कैलकुलेटिंग, काउंटिंग के उसमें क्या हो, बहुत से वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, कौन ग्रेजुअल मतलब क्रमिक, मतलब स्टेप बाई स्टेप क्या, उसमें बहुत से चेंजेस हुए हैं, बहुत से डेवलपमेंट हुए हैं ह्यूमन हिस्ट्री में, मतलब पुराने उसमें। थ्री मेजर टूल दैट हेल्प्ड अर्ली ह्यूमन काउंट सीम टू बी स्टिक। सबसे पहले थ्री मेजर टूल हेल्प किए जाते थे अर्ली ह्यूमन, जब वो काउंट करते थे, किससे काउंट कर लेते थे, स्टिक से कर लेते थे, बोन से कर लेते थे, वो नोचेस मतलब निशान, निशान लगा के, और स्टोन एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब जिससे भी वो कर पाते थे उससे वो करते थे क्या, काउंट। एंड फिंगर एंड टू, जैसे कि फिंगर और टू से भी, मैंने बताया था ना ये क्या स्पैन, इससे भी आप लोग करते थे ना, मैंने पढ़ाया भी है टूल्स। इट मेक्स सेंस दैट दिस टूल वुड बी द फर्स्ट यूज। तो सबसे पहले ये मतलब दिमाग में इनके सबसे पहले यही आया था कि फर्स्ट ये क्या यूज़ करते थे, इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते थे। एज दे आर रीडली अवेलेबल इज एसेंशियल एनी नेचुरल सेटिंग, मतलब नेचुरली, इवन टूडे वी लर्न कैलकुलेशन यूजिंग अवर फिंगर एंड ड्राइंग लाइन्स। अब क्या होता है, अब हम लोग किससे करते थे कैलकुलेशन, यूजिंग आवर फिंगर, अब हम लोग फिंगर से ऐसे करके करते थे, ड्रॉ लाइन ड्रॉ कर करके करते थे। तो मतलब जैसे 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 दिन बीतता गया वैसे वैसे चेंजेस होते रहे। अब चलिए सबसे पहले क्या है आपका, अबेकस। अबेकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। सबसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी हुई है, अबेकस, जो कि इन्वेंटेड इन चाइना, कहाँ इन्वेंट हुई है, चाइना में, टू काउंट द लार्ज नंबर, किस लिए, लार्ज नंबर को काउंट करने के लिए। अबेकस इज मेड अप ऑफ अ वुडन फ्रेम, ये कैसे बनी थी, वुडन फ्रेम में, पहले जब ये देखिए दिख रहा है ना, वुडन फ्रेम से। इट इज अ काउंटिंग डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम होल्डिंग रॉड ऑन विच आर स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ बीड्स। इसमें क्या है, ये पूरा बना है ना वुड का, और इसमें क्या है, लाइनें हैं, और इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्या है, बीड्स हैं। बीड्स मतलब ऐसे कलियां होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये बीड्स है, छोटे छोटे देख रहे हो ना। एंड फ्री टू मूव, और ये इजली क्या हो सकती है, मूव हो सकती है, क्योंकि इसको ऊपर से करोगे तो ऊपर नीचे की तरफ चली जाएंगी, नीचे से करोगे तो ऊपर की तरफ चली जाएंगी। सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन वर परफॉर्म यूजिंग द अबेकस। तो इससे हम लोग क्या कर लेते थे, सिंपली क्या कर लेते थे, कैलकुलेशन कर लेते थे, चाहे वो क्या हो, एडिशन हो या हो सब्ट्रैक्शन, मतलब चाहे जोड़ना हो चाहे
घटाना हो, ये एबेकस क्या करता था, सिंपली ये परफॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट इज व्हाई वाज द एबेकस यूज्ड, हम लोग एबेकस का यूज क्यों करते हैं। बिफोर कंप्यूटर कैलकुलेटर और इवन अर्थमेटिक यूजिंग पेपर एंड पेंसिल द एबेकस वाज द मोस्ट एडवांस्ड डिवाइस फॉर क्रंचिंग नंबर। मतलब जब क्या नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कैलकुलेटर नहीं था, अर्थमेटिक यूजिंग पेपर नहीं था, पेंसिल, इन सब का यूज़ जब नहीं होता था, तो ये क्या था, एबेकस का था मोस्ट एडवांस डिवाइस। पुराने समय में ये क्या था, बहुत ही एडवांस डिवाइस था, क्या करने का, क्रंचिंग नंबर, नंबर को क्या करने का, कैलकुलेट काउंट करने का। एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं, बिफोर द एबेकस द ओनली मेथड पीपल हैड टू यूज फॉर देयर मैथमेटिकल कैलकुलेशन वेयर देयर फिंगर्स एंड टूल्स और स्टोन इन द डर्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब क्या था, पहले के समय में एबेकस इज द ओनली मेथड पीपल हैड टू यूज देयर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये एबेकस क्या था, एक ओनली मेथड था, पीपल इसका यूज़ करते थे किस लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, और वर्ड देयर फिंगर से भी कर लेते थे और टूल से भी और स्टोन्स इन द डर्ट। पुराने समय की बात है। फिर जब ये आ गए, उसके बाद कौन आया, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स इज अ मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब ये क्या हो गया, मैनुअली, मतलब मैनुअली रूप से इसको यूज़ किए जाने लगा गया। ये किसने क्रिएट किया था, जॉन नेपियर। किसने किया था, किसको, किसने क्रिएटेड किया था इसको, जॉन नेपियर। कौन से ईयर में, 1616 में। दिस डिवाइस इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड मार्क्ड विद नंबर। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये कैसी थी, रेक्टेंगुलर डिवाइस थी, जिसमें क्या थे, नंबर्स थे, हर रॉड में मार्क विद नंबर। ओके, यूजिंग दिस रॉड वन कैन डू एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर। और इस रॉड का यूज़ करके एक क्या करता था, वन कैन डू एडिशन, एक एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन, एक डिवीजन ऑफ नंबर। लेटर ऑन इट वॉज इम्प्रूव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। और कुछ समय बाद इसने क्या किया, इम्प्रूव किया, और क्या लिया है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जानते हो ना आप लोग, स्क्वायर रूट पढ़ा है ना, ऐसे होता है ना, स्क्वायर रूट बनाना। तो ये है, तो नेपियर बोना है, तो इन्होंने और डेवलप कर दिया इनको। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस। क्या आता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस। उसके अंदर क्या आ रहे हैं, पास्कलिन। पास्कलिन ब्लेस पास्कल वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर। अभी तक किस, कैसा था, अर्ली, अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन। अब कौन से पे आ गए हम लोग, इसके अंदर हम लोग ने किसके किसके बारे में पढ़ा, पहला अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन ये थी, फिर दूसरा एबेकस आया, फिर तीसरा नेपियर बोन्स आया। और इसका क्यों यूज़ करते हैं, ये आपको पता चला, ठीक। अब किस पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अब किस पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस, जो कि क्या होती है, विद्युत चुंबकीय, इसमें चुंबक टाइप का, चुंबकीय यूज़ होता है,
जैसे पास्कलिन क्या थे, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच के क्या थे, मैथमेटिशियन और फिलोसोफर मतलब तत्वज्ञानी थे, ये फिलोसोफर मतलब तत्वज्ञानी और फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ही इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्वेंट किया था क्या, मैकेनिकल कैलकुलेटर। कब किया था, 1641 में, कब किया था, 1641 में। इट वॉज कॉल्ड द अर्थमेटिक और पास्कलिन, इट हैड अ बॉक्स विथ 8 मूवेबल व्हील्स। ये देखो आप लोग देख रहे हो ना, बॉक्स है ना, 2, 4, 6 और 8 जैसा कि इन्होंने बताया। और इसमें क्या लगे थे, व्हील लगे थे जिसको कॉल डायल, इसको हम लोग क्या बोलते थे, डायल बोलते थे। हैड अ बॉक्स विथ 8 मूवेबल व्हील्स, व्हील्स मैंने बताया, और उस व्हील्स को हम लोग क्या बोलते थे, डायल्स। द नंबर ऑफ कैलकुलेशन वॉज एंटर्ड विद डायल, जो हम लोग को नंबर कैलकुलेट करना रहता था तो हम लोग किस में एंटर करते थे, डायल्स में एंटर करते थे। दीज मैकेनिकल कैलकुलेटर कुड ऐड, तो जब हम लोग एंटर करते हैं ना तो वो क्या करता है, ऑलरेडी ऐड कर लेगा, सब्ट्रैक्ट कर लेगा, जो भी आपको चाहिए होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर एज बिग एज 1000, मतलब बिग बहुत से बड़ा बड़ा कर सकते हो, जैसे 1000 से भी। उस टाइम पे तो इतना वो नहीं था ना पहले के इसमें, लेकिन इन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया। इनका नाम क्या था, ब्लेस पास्कल। ये क्या थे, मैथमेटिशियन थे और क्या थे, फिलोसोफर थे। इन्होंने कब इन्वेंट किया था मैं आपसे पूछूंगी, 1641 में किया था। क्या किया था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, क्या किया था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर उन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था। अब उसके बाद कौन आते हैं, लेबनिस कैलकुलेटर। इन 1671 द जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर गॉटफ्राइड लेबनिस डिजाइन अ कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड द स्टेप रेकोनर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी, ये क्या थे, जर्मन के मैथमेटिशियन फिलोसोफर थे, और इनका कब चालू हुआ, 1671 में। ये क्या थे, इन्होंने डिज़ाइन किया कैलकुलेटिंग मशीन जिसका नाम, जिसको इन्होंने, इनको जिसको क्या बोला जाता है, स्टेप रेकोनर। इट कुड ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द स्टेप रेकोनर एक्सपेंडेड ऑन पास्कल आइडिया एंड डिड मल्टीप्लिकेशन बाय रिपीटेड एडिशन एंड शिफ्टिंग। तो इन्होंने क्या किया, कुछ क्या किया, पास्कल के आइडियाज़ का एक्सपेंड कर दिया और भी उससे, उसको ज़्यादा, स्टेप रेकोनर ने क्या किया, जो पास्कल का आइडिया था ना उसके और बड़ा करके, और मतलब बढ़ा के, एक्सपेंड करके मतलब बढ़ाना, और मल्टीप्लिकेशन बाय रिपीटेड एडिशन, इसमें ये सब फीचर्स क्या किए, डाल दिए। ये देखो दिख रहा है ना, जैक वर्ड लू। इन 1801 जे एम जैक वर्ड इन्वेंटेड अ पावर्ड लूम। कब इन्होंने किया, 1801 1801 में इन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया क्या, पावर्ड लूम। द लूम वॉज कंट्रोल्ड बाई अ चेन ऑफ कार्ड। और ये जो लूम इन्होंने इन्वेंट किया वो किससे कंट्रोल होता था, चेन ऑफ कार्ड से, अ नंबर ऑफ पंच कार्ड, और पंच कार्ड से लेस टूगेदर इन टू अ कॉन्टीन्यूअस सीक्वेंस। ये कैसे लेस हुआ, टुगेदर इन टू अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टीन्यूअस सीक्वेंस के, उससे मतलब कॉन्टीन्यूअस सीक्वेंस के साथ ये चलता रहा। दिस कैन बी टेकन एज द फर्स्ट, क्या, फर्स्ट रीड ओनली मेमोरी डिवाइस। दिस कैन बी टेकन एज, मतलब टेकन मतलब एस लिया गया, फर्स्ट रीड ओनली मेमोरी रोम डिवाइस की तरह। तो जैकलिन लूम ने क्या किया था,
पावर लूम जिसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी डिवाइस की तरह लेते हैं, जानते हैं उसको, उसका यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको 2 पेज पढ़ा दिया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आगे का 2 पेज कंटिन्यू करूँगी, एक्सरसाइज फिलअप कराऊँगी। अभी जो मैंने वर्ड मीनिंग दिया है उसको वर्ड मीनिंग आप कर लीजिएगा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। थॉट जो मैंने थॉट बताया है उसको आपको फर्स्ट पेज पे लिखना है, और ध्यान से वर्क करिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और प्लीज़ पढ़ाई करिए। ओके, जितना भी जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग पढ़िए और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सब कुछ नोट करिए। ओके, आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे चैप्टर कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।